बस इस चीज को हम अपने गमले की मिट्टी में दबा देंगे और उसके बाद हमें सालों इस गमले में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके बाद हमारे पौधे इतने हेल्दी और फूलों से भरे हुए नजर आएंगे। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकनी एंजल गार्डन में। दोस्तों, हम हमेशा ही बात करते हैं अपने गार्डन में फर्टिलाइजर की, तो आज चलिए हम बात करते हैं कि हमारे जो गार्डन में या फिर जमीन में लगे हुए पौधे होते हैं उसकी ग्रोथ अच्छी क्यों नहीं होती है। तो आज हम बात करते हैं इसी टॉपिक पे और आगे आपको इतनी अच्छी चीज बताऊंगी जिससे कि आपके पौधे में अगर फूल नहीं भी आ रहे हैं और पौधे अगर आपके हरे भरे नहीं हैं तो आपके पौधे काफी हेल्दी हो जाएंगे। ये देखिए, ये है मेरा लालटेन हिबिस्कस का प्लांट। इसमें कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं पर फिर भी ये पौधे मुझे थोड़े से कहीं कहीं से सही नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि हम अपने गमले की मिट्टी में या फिर जमीन में इतने केमिकल का यूज करते हैं कि हमारे गमले की मिट्टी जो है उसकी पीएच लेवल गड़बड़ हो जाती है। तो अगर पीएच लेवल सही नहीं होंगे तो हमारे पौधे, आप कितना भी मेहनत कर लेंगे, आपके जो भी आप सब्जियां लगा रहे हो या फल लगा रहे हो या फिर फूल लगा रहे हो, वो आपकी कभी भी ग्रोथ नहीं करेगी, पौधे आपके हेल्दी नहीं दिखेंगे। तो आज इसीलिए हम बात करेंगे कि हम अपने मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कैसे बढ़ाएंगे। जो मिट्टी एकदम बेकार से बेकार हो गई है, आज हम उसको उपजाऊ बनाएंगे और फिर उसमें आप देखेंगे कि आप जो भी चीज लगाएंगे उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। मैंने अपने इस गमले में कल ही फर्टिलाइजर डाला था तो मिट्टी थोड़ी सी गीली है। यहाँ देखिए, ये मेरा पौधा, मैंने इस पे वीडियो भी पोस्ट की थी, आप देख सकते हैं मेरा पूरा पौधा भर भर के फूल दे रहा है और ये बहुत बड़े गमले में भी नहीं लगा हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि पौधा कितना बड़ा और कितना घना है ऊपर से। तो ये है मेरा परिजात का पौधा जो कि इस बार ये 2 साल का पौधा हो गया है और मैं इसमें केमिकल तो मैं खैर कोई भी यूज करती ही नहीं हूँ। मैं हमेशा ही आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आप देखेंगे कि मैं सभी घर में बने हुए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही यूज करती हूँ और खास करके मेरा फर्टिलाइजर होममेड ही होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि हमारे गमले की जो मिट्टी है वो हमेशा ही वेल ड्रेन होनी चाहिए और उस पर पानी नहीं रुकना चाहिए। और जैसे अभी ठंड अब धीरे धीरे शुरू हो रही है तो हमारे पौधे में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होगी, जैसे कि फंगस का लगना, कीड़े लगना या फिर जैसे मिट्टी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी ही प्रॉब्लम आपके ये जो आज मैं बताऊंगी उससे दूर भी होंगे और आपके पौधे भी काफ़ी हेल्दी रहेंगे। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारी जानकारी और सावधानियां हैं तो आप वीडियो एकदम स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, अगर आप केमिकल यूज करते हैं अपने गार्डन में तो और आपके गमले की मिट्टी अगर खराब हो चुकी है, पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो आज ये चीज़ जो मैं डाल रही हूँ, देखिए ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये चीज़ बना के अगर आप अपने गमले में डालते हैं तो आपके गमले में 1 से 2 दिन में ये फूल देना शुरू कर देगा क्योंकि ये आपके गमले की मिट्टी की पीएच लेवल को सही करेगा। तो इसमें बहुत सारी सावधानियां हैं, इसे बस हमें मिट्टी में ही यूज करना है, इसे हमें पत्ते पर बिल्कुल भी नहीं स्प्रे करना है क्योंकि अगर हम इसे पत्ते में
डालेंगे तो पत्तियाँ जल जाएंगी और ये इसमें इसकी जो एसिडिक में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो पत्ते जलने का इसमें बहुत ज़्यादा डर है, तो आप इसे पत्ते पर बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। तो देखिए दोस्तों, मेरे गार्डन में गुलदोपहरी के फूल खिले हुए हैं। मैंने इसे गमले से दूसरे गमले में लगाया है, तो इसकी सारी पत्तियाँ मुरझाने सी लगी है, पर फूल काफ़ी अच्छे आ रहे हैं इसमें। तो दोस्तों चलिए मैं अब बात करती हूँ कि ये चीज़ है क्या। तो दोस्तों यहाँ देखिए, मैंने लिए है ये छोटा सा टुकड़ा। अब मैं इसे कूट के इसे टुकड़े टुकड़े करूँगी। तो ये है क्या दोस्तों, ये बहुत छोटी सी चीज़ है। आप मात्र 5 रुपए में आप अपने सालों भर अपने गमले की मिट्टी की पीएच लेवल को बैलेंस में ला सकते हैं और अपने पौधे को हेल्दी रख सकते हैं, और आपके गार्डन की जो मिट्टी है वो उपजाऊ बन जाएगी। तो यहाँ देखिए, मैंने इसे एकदम महीन बारीक कर लिया है। अब इसे मैं मिक्स करूँगी ग्लास में। तो दोस्तों आप छोटा सा टुकड़ा लीजिए, ये आपके 8 से 10 गमले के लिए काफ़ी है। तो यहाँ मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसमें और पानी मिक्स करूँगी। ये मिक्स करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से हो जाता है, ये बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाता है। या फिर आप ये छोटा सा टुकड़ा रख के और आप डेली उसका पानी थोड़ा सा लेके और 1 लीटर पानी में मिक्स करिए, उस हिसाब से ये पानी लीजिए और उसके बाद मिक्स करके आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्लास में मिक्स की हूँ, अब मैं इसे पौधे में डालूँगी। तो मैंने इसे परिजात के पौधे में डाला है और बाकी पौधे में मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही फर्टिलाइज़र डाले हैं, इसीलिए मैं बाकी पौधे में अभी इसे नहीं डालूँगी। बाकी पौधे में मैं इसे कुछ दिनों बाद डालूँगी। इसे मैं बना के रख दूँगी, ये ख़राब नहीं होते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और अब मैं इसे पानी में मिक्स कर रही हूँ। तो आप अपने गमले के हिसाब से आप बनाइए, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। आप इसमें अपने गमले के पीएच लेवल को देख के ही आप इसका उपयोग करें, और कोशिश करें कि आप पहले 1-2 गमले में डाल लें, उसके बाद ही आप इसे बाकी गमले में डालें। वैसे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, इसका रिज़ल्ट हमेशा ही अच्छा मिलता है, पर आप फिर भी थोड़ी सी कोई भी चीज़ में थोड़ी सी सतर्कता ज़रूरी होती है, तो आप थोड़ी सी सावधानी के साथ इसको यूज करें। पहले 1 गमले में यूज कर लें, उसके बाद ही आप बाकी में यूज करके देखें। और ये आप इसे फर्टिलाइज़र की तरह आप बिल्कुल भी नहीं यूज करें, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र नहीं है। ये हमें साल में बस 2 से 3 बार ही यूज करना होता है। तो ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसका छोटा सा टुकड़ा लीजिए और इस तरह से मिट्टी में दबा दीजिए। तो दोस्तों ये है क्या, अब मैं बताती हूँ। ये है फिटकरी, जो कि आप 5 रुपये में आप लेंगे तो ये आपका कम से कम 3 से 4 साल चल जाएगा। बस इसका छोटा सा टुकड़ा ही ज़रूरत पड़ता है। तो आप इसे अपने गमले में डालिए। दोस्तों इससे हमें पोटाशियम और पोटाश मिल जाता है, जिससे कि हमारे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, रूट्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, और साथ में इसमें सल्फर की भी बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। तो हमारे मिट्टी को ये एकदम रिफ्रेश करता है, उपजाऊ करता है, और हमारे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, उसमें फल फूल सब्जी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने गार्डन में इसको यूज करिए और हमें कमेंट करिए कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसे मिला। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।